तो शाम से कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी ने जनसंपर्क अभियान छेड़ा। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में सभी लोगों को रोजगार मिल रहा था और बाजार में तेजी का माहौल था, लेकिन बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से व्यापार चौपट हो गया, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, आम आदमी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से पूरी तरह से बाजार में मंदी छाई हुई है। ये सत्ता परिवर्तन इस बारी निश्चित है, क्योंकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। इन्होंने जब भी चुनाव हुआ है हमेशा ध्यान भटकाने वाले मुद्दे जो हैं ये लेकर आते हैं, लेकिन कितनी बार ध्यान भटका देंगे? तीन तीन चार चार बारी तो नहीं हो सकता ना। भयंकर आपने शब्द बिल्कुल सही इस्तेमाल करा, पानी भिवानी का इन्होंने काट दिया पूरी तरह। हमारे भिवानी जिले के साथ इन्होंने वो व्यवहार करा है, सौतेला व्यवहार से भी बढ़ के बुरा। और आज जो है मूलभूत सुविधा जो है पानी, पानी ही अगर हमारे को नहीं मिलेगा तो रह क्या गया? पीने के लिए पानी नहीं है। इन्होंने आज जो है पानी के टैंकर जो है सारी जगह जाते हैं, 800 रुपए 400 रुपए कहीं कहीं हजार हजार रुपए के, तो ये पानी के टैंकर का माफिया पनपा दिया है। जब टैंकर पानी पिला सकते हैं तो सरकार पानी क्यों नहीं उपलब्ध करवा सकती है? पानी कहाँ से आ रही है, आ रहा है?